हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड धारकों के लिए और एलटी डिप्लोमा धारकों के लिए अच्छी परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो गई है, अप्लाई कर सकते हैं। पहले डिटेल समझ लेंगे। और सैलरी अच्छी है 65,000, क्योंकि अराउंड 47,000 की तो अराउंड बेसिक पे ही है, सिर्फ बेसिक पे। अब उस पे अलावेंसेज में डीए मिलेगा आपको, डीए काफी बढ़ चुका है, मतलब महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलावेंस है, मेडिकल ट्रांसपोर्ट प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी 5 साल के बाद, ये सारी चीजें मिला के 65,000 तो कम से कम बनेगी सैलरी। ग्रॉस सैलरी से ज्यादा हो सकती है, इन हैंड सैलरी आपको 65,000 जरूर मिलेगी। सीटेट या टेट की कोई जरूरत नहीं है, टेट नहीं मांग रहे, सीटेट नहीं मांग रहे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो चुकी है, चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हिंदी में वैकेंसी है, और इसके बाद इंग्लिश में, संस्कृत, फिजिक्स में मतलब भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, मैथमेटिक्स, जीव विज्ञान और मीन्स बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, सोशल साइंस की वैकेंसी है, समाज शास्त्र, कला मतलब आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सारी वैकेंसीज हैं। 550 है इधर, और सेम ऐसे ही वैकेंसीज आपको एक और कॉलम में देखने को मिलती हैं, तो टोटल मिला के 600 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। इसमें टेट या सीटेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बीएड वाले भी अप्लाई कर सकेंगे और साथ ही साथ एलटी डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई थी, मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी थी, आज पूरी डिटेल नोटिफिकेशन है। इतनी डिटेल है कि पढ़ना मुश्किल है, 140 पेजेस हैं, 140 पेजेस की पीडीएफ बना के इन्होंने दी हुई है। तो पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी, संक्षिप्त विज्ञप्ति, अभी डिटेल आ गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट प्रवक्ता पोस्ट के लिए, जिसमें कि सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों में अलग अलग जो है आपको देखने को मिलेंगे पोस्ट। टोटल मिला के 600 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। 18 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना शुरू हो गए हैं, 7 नवम्बर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो भी ओपन होगा बाद में, 19 से लेके 28 दिसंबर तक। तो प्रवक्ता पोस्ट है, मतलब जिसे आप बोलते हैं ना जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से नहीं है, उत्तराखंड से। उत्तर प्रदेश से तो हालत बहुत टाइट है, कितनी भी आप कोशिश कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश तो हिलता नहीं है बिल्कुल, वहां की गवर्नमेंट हिलती नहीं है कि हाँ थोड़े तो वैकेंसीज ले आए। इतने बच्चे हर साल पास आउट हो रहे हैं, सालों से वैकेंसीज विज्ञापन आए ही नहीं है, जो पुराने आए एडवर्टीजमेंट उनके भी एग्जाम की डेट नहीं आ रही है, तो सीन बहुत बुरा है। तो जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता लेक्चरर पोस्ट ही है, बट नॉट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इट इज फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड में अप्लाई करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, ये प्रॉब्लम होती है, चलिए समझ लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, एज क्राइटेरिया क्या मांग रहे हैं, ये सारी चीजें 140 पेज में हर चीज तो मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ ऑफकोर्स, बट कुछ मेन चीजें जो है ना, जैसे कि पे स्केल क्या है और ये सारी चीजें समझ लेते हैं। टोटल 613 पोस्ट है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया, तो टोटल 613 पोस्ट है। इसमें 550 जो है ना जनरल सामान्य शाखा में, और महिला शाखा में 63 पोस्ट है। जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि महिला शाखा में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, और महिला शाखा में मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो सामान्य शाखा में टोटल 550 पोस्ट है, अनारक्षित की भी सीट है इसमें। हिंदी इंग्लिश मैंने सब्जेक्ट आपको बता दिया, हिंदी इंग्लिश, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, आर्ट, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। तो ये है, इसकी डिटेल्ड बाइफर्केशन दी हुई है अलग अलग, मतलब आरक्षित, कुशल, खिलाड़ी, ये सब सबके लिए अलग अलग आरक्षण के हिसाब से दिया हुआ है। अब क्वालिफिकेशन देखेंगे, क्वालिफिकेशन क्या बता रहे हैं, और महिला शाखा के लिए यहां पर दिया हुआ है, महिला शाखा के लिए 63 वैकेंसीज है, पेज नंबर 8 पर चेक कर सकते हैं, पेज नंबर 6 पर सामान्य शाखा है। अब इसमें जो है ना महिला शाखा के लिए भी फिर ब्रेकअप दिया हुआ है कि कैसे कैसे है, ब्रेकअप काफी ज्यादा दिया हुआ है इन्होंने, एकदम छोटा छोटा अलग अलग। अब यहां पर देखेंगे, मिनिमम जो एज 21 ईयर्स होना चाहिए, अपर एज लिमिट 42 ईयर्स।
42 साल ऊपरी आयु सीमा है, और ऑफकोर्स जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उत्तराखंड के, उनके लिए तो रिजर्वेशन का बेनिफिट एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन अपर एज क्राइटेरिया में, अपर एज लिमिट में मिलेगा जरूर। ये क्या लिखा है इन्होंने, अस्थाई स्लैश स्थाई अविरल। अब ये अस्थाई है या स्थाई है, अंशदायी पेंशन योजना, पेंशन की बात तो तभी आएगी ना, जबकि न्यू पेंशन स्कीम मतलब जबकि आप इसको स्थाई करेंगे, तो अभी ये अस्थाई भी हो सकता है या स्थाई भी कर सकते हैं। टोटल 613 पोस्ट है, 47,600 की बेसिक पे है, 47,600 रुपए तो सिर्फ बेसिक है। इसमें अभी डीए काफी बढ़ चुका है, 50% के अराउंड हो चुका है डीए। हाउस रेंट अलाउंस भी काफी मिलता है, तो सैलरी आराम से आपको हाथ में मिल जाएगा 65,000। अब आप क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इसमें देखिए कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया हमने, जैसे कि प्रवक्ता, समाजशास्त्र, भूगोल, तो इन्होंने क्या बताया वो देख लेते हैं। अधिमानी अर्हता में जो चीजें लिखी होती है ना, अधिमानी में मतलब ये जरूरी नहीं है, इसको प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस मतलब जैसे टाई अप हो जाता है ना, दो कैंडिडेट का मार्क्स सेम हो रहा है, तो वैसे में फिर प्रेफरेंस देने के लिए यूज होता है, या इसके अलग से पॉइंट्स कुछ ऐड करेंगे। बट जो एसेंशियल क्वालिफी, इसकी जरूरत नहीं है, मतलब इसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, या कभी जब दो कैंडिडेट या दो से ज्यादा कैंडिडेट के सेम ही आ रहे हैं मार्क्स, तो वैसे केस में फिर इस बेसिस पर किसको प्रेफरेंस दिया जाए उसके लिए यूज होगा। तो जो बेसिकली जो जरूरी है, जिसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसे आप बोलते हैं, या EQ एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसे बोलते हैं, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि स्नातकोत्तर होना चाहिए। स्नातकोत्तर मीन्स मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब इसे परसेंटेज नहीं बता रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए, और इसके बाद जो ना LT डिप्लोमा होना चाहिए या फिर BEd, बस इतना ही मांग रहे हैं। LT डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर BEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। CTET नहीं चाहिए, TET नहीं चाहिए, प्रवक्ता की पोस्ट है इसलिए। राजकीय इंटर कॉलेज, जितने भी राजकीय इंटर कॉलेज हैं, मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं, जूनियर कॉलेज जिसे आप बुलाते हैं, या 11th 12th, वहां पर जो है ना एज की कैलकुलेशन के लिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है एज कैलकुलेशन करने में, तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए दो डेट दिए, दो डेट ऑफ बर्थ दिए हैं, 2 जुलाई 1982 एंड 1 जुलाई 2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, इंक्लूसिव बोथ। तो ये जो दो डेट ऑफ बर्थ दिए हैं इसके बीच में, या इन दोनों डेट ऑफ बर्थ को मिलाते हुए अगर कहीं आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, तो आप एलिजिबल हैं एज वाइज। अनारक्षित सीट के हैं तो, अनारक्षित वर्ग के हैं तो, बाकी अगर उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC हैं, तो 5 साल की छूट उनको दी जा रही है। PWD कैंडिडेट है तो 10 ईयर्स की 10 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा रही है। अनिवार्य वांछनीय अर्हता, अब इसमें उत्तराखंड में एक चीज हमेशा प्रॉब्लम रहती ही है, तो वो क्या रहता है, ग्रुप सी पोस्ट है, इसमें ये क्लियर लिख देते हैं कि आपका जो 11th 12th है, कहीं पे लिखा है पहले मैं उसको सर्च कर लेती हूँ, पॉइंट को पहले मैंने पढ़ लिया था इस पॉइंट को। वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, सभी एलिजिबल भी हो जाते हैं, पर उत्तराखंड में एक बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो सभी को अप्लाई करने का मौका नहीं देते, जो कि थोड़ा सा मुझे भी बहुत ऐसा लगता है कि एक ही राष्ट्र के, एक ही जब भी देश के सभी हैं तो सबको मौका मिलना चाहिए। ऐसे भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी ले रहे हैं तो फिर बिना एग्जाम के ले रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ऐसे सभी राज्यों के कैंडिडेट को सभी राज्यों में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो राज्य की इनकम भी बढ़ती है और अपॉर्चुनिटीज भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो इससे फायदा ही मिलेगा, लेकिन ये लोग नहीं करने देते अप्लाई। तो इसमें लिख दिया इन्होंने कहीं पर, वो पढ़ लेते हैं। तो जो प्रॉब्लम वाला पॉइंट है, जहां पर समस्या है, वो पॉइंट मेंशन किया है पेज नंबर 13 पर, आप देखेंगे। वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट, मतलब 12th 11th 12th, अथवा इसके समकक्ष, मतलब जो भी आप उसे बुलाते हैं 11th 12th को, जूनियर कॉलेज, इंटर कॉलेज, जो भी बुलाते हैं, तो उसके समकक्ष जो भी पढ़ाई है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। तो उत्तराखंड से ही आपने 11th 12th किया है तब आप अप्लाई कर सकते। एक और कंडीशन है जो कि यहाँ पे लगाया है इन्होंने, उत्तराखंड से पढ़ाई की है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं 11th 12th। और इसमें एक कंडीशन इन्होंने लगाया हुआ है, वो भी पढ़ लेते हैं कि ये तो ठीक है, ये ग्रुप सी में आता है, समूह ग में आता है, सीधी भर्ती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा। वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी सेवा योजन, मीन्स जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ना, उसमें नाम होना चाहिए,
लास्ट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है उस डेट तक किसी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो कि उत्तराखंड में है वहां पर सेवायोजन कार्यालय का मतलब मुझे जो समझ आ रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए तब आप एलिजिबल होते हैं। तो ये हो गया। चलिए अब आरक्षण की कंडीशन पेज नंबर 15 पे लिखी हुई है। फीस की डिटेल अब इन्होंने हिंदी में कहीं पर लिख रखी होगी तो वो अलग है। और जो दोनों में अप्लाई करना चाहेंगे, जैसे महिला अभ्यर्थी हैं तो मुझे लगता है महिला शाखा में भी कर सकते हैं और सामान्य शाखा में भी, तो वैसे फीस की वगैरह डिटेल होगी अलग से। फीस की डिटेल आपको पेज नंबर 20 पर दिया हुआ है। मैक्सिमम जो फीस दिखाई दे रहा है अनारक्षित वर्ग के लिए है वो 172 है, और बाकी जो मिनिमम फीस दिखाई दे रहा है अनुसूचित जाति ST SC उत्तराखंड के, जो 82 रुपीज 30 पैसे है, तो 172 रुपया 30 पैसा और 82 रुपया 30 पैसा, ये मिनिमम मैक्सिमम फीस जो है ना ये चार्ज कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट के लिए नहीं भी कर रहे हैं चार्ज, तो वो देख लेना। बाकी गलत उत्तर वगैरह है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे वो तो आजकल वैसे ही होता है, ऋणात्मक मूल्यांकन रहेगा, चार विकल्प रहेंगे, गलत उत्तर दिए जाने पे 1/4 जो है ना 1/4 कट हो जाएगा, तो 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। और परीक्षा तिथि समय परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा केंद्र के संबंध में बाद में सूचना आ जाएगी, तो एग्जाम होगा ऑनलाइन हो सकता है ऑफलाइन हो सकता है। अभी ये क्या लिखा है, उत्तर कुंजी आपत्ति स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ रहेगा, विषय और विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ रहेगा, कैलकुलेटर वगैरह नहीं यूज कर सकते आप, तो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड भी रहेगा और जो नॉर्मल रहता है ना सभी के लिए कॉमन वो भी रहेगा। अब इसमें न्यूनतम अहरक अंक मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह भी रहेगा, वो सब देख लेना है। सिलेबस वगैरह 140 पेज का है तो सिलेबस वगैरह तो ऑफकोर्स रहेगा ही। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है। बहुत मैंने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बहुत डिटेल में नहीं कवर किया क्योंकि 140 पेजेस हैं, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो एग्जाम पैटर्न सिलेबस वगैरह देख ले। मैंने थोड़ा बता दिया, नेगेटिव मार्किंग है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, विषयवार भी रहेगा प्रश्न, और नॉर्मल जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं वो भी रहेगा। तो चलिए आपको चले आना उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, इस पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सेक्शन यहाँ पर देखें, यहाँ पर है, ये आपको लोकेट करना है और इसको लोकेट करके आपको चले आना है इसी में पेज पे। और पेज पे जब आप आते हैं तो लेक्चरर ग्रुप सी सर्विसेज ये वो जो है ना ये आ जाता है, यहां से आपको सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है। अप्लाई करना है तो वहां पे अप्लाई का भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, वो आप देख सकते हैं। क्लिक हियर दिया है ना, लिंक टू अप्लाई क्लिक हियर, ये यहां पर ये एडवर्टीजमेंट है, PWD सर्टिफिकेट यहां पर है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए या तो आप जैसे मैं विकिपीडिया पे ऐसे सर्च कर लेती हूँ, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन विकिपीडिया, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन विकिपीडिया, इस पे एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो वेबसाइट आपको लिंक मिलती है, इस लिंक पर चले आना आपको, यही लिंक है।